तो बंगाल की खाड़ी से नमी आने की वजह से छत्तीसगढ़ में इसका बड़ा असर देखा जा रहा है। रविवार को दिन भर बादल छाए रहने के बाद सोमवार को भी प्रदेश भर में बादल छाए हुए हैं। हालांकि कुछ स्थानों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बादल की वजह से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही है। रायपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। इसी तरह बाकी अन्य जिलों में भी तापमान में परिवर्तन देखा गया है। मंडौस तूफान के असर को लेकर मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता दिलीप साहू ने। तूफान कम हो गया है लेकिन उसका असर अभी भी छत्तीसगढ़ के सहित तमाम जगह पर देखे जा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग विभागों में मंडोस का असर देखे जा रहे हैं जिसके वजह से प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। और मंडोस का असर ही कब तक रहेगा, कितना असर रहेगा, इन तमाम चीजों को लेकर हम जानेंगे। हमारे साथ मौसम विज्ञानी संजय बैरागी जी है। सर, ये मंडोस का असर अभी जो देखने को मिला है बादल, ये कब तक ऐसे रहेंगे? देखिए, ये मंडोस का जो प्रभाव तो कम हो गया, लेकिन तो बड़ा प्रभाव तो छत्तीसगढ़ में पड़ा ही नहीं, लेकिन क्या है जो उसका जो प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ा है वो ह्यूमिडिटी और क्लाउड में आया, और हल्का फुल्का जो है बस्तर संभाग में हल्की बारिश होने की संभावना हो भी रही है। और ये इसका प्रभाव जो है अगले 5 दिन तक तो रहना ही है, उसके बाद जो है टेम्परेचर में थोड़ा गिरावट आ सकता है। ये बारिश कितना हो सकता है, कहाँ कहाँ होने के आसार है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में बारिश होने की है बस्तर संभाग और कांकेर संभाग के कुछ हिस्सों में। और बस्तर संभाग के बोले तो आपका नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और जगदलपुर क्षेत्र में थोड़ी हल्की वर्षा हो सकती है, और बाकी विशेष कोई टेम्परेचर में और तापमान जो है तापमान में परिवर्तन। ये बारिश क्या कितनी मात्रा में हो सकती है, क्योंकि अभी धान खरीदी का सीजन चल रहा है, क्या कितना सावधानी बरतना चाहिए सरकार को? नहीं, अभी मतलब धान खरीदी जा रही है लेकिन उसको क्षति पहुंचाने वाली जो है वर्षा नहीं होगी। यहाँ से मान लीजिए ट्रेन कहीं बूंदाबांदी हो जाएगा या फिर 1 से 2 mm पानी गिर सकता है। अच्छा, और ये इसका जो असर है अब लगभग खत्म हो गया है, और जो 3-4 दिनों में बादल साफ होने के आसार है? नहीं, 3-4 दिन है, लगभग 5 दिन तो रहेगा, खास करके हमारे बस्तर संभाग में। उत्तर छत्तीसगढ़ में थोड़ा पहले माने 3 दिन बाद जो है साफ होने लगेंगे, और बाकी बस्तर में थोड़ा टाइम लगेगा ना, 5 दिन के बाद ही बादल साफ होगा और ह्यूमिडिटी में भी कमी आएगी। जी शुक्रिया। तो ये थे मौसम विज्ञानी संजय बैरागी जी, इनका इन्होंने बताया कि किस तरह से जो मंडोस है उसका असर है और कब तक इसके साफ होने के आसार है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।